देखती आंखों सुनते कानों वकार पोसवाल का सलाम पेश है। ये जनाब हमारे अरबाज भाई हैं। पहले हमने खाना शाना खिलाया है जनाब को, तैयार किया है। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। बाकी मुलाकात हम आगे करेंगे जनाब। असली राज जानना आपका बालों का। बाल हमारी जो है ना जवानी में थोड़ी सी खजल खराबी हो गई थी। ये अचानक कहाँ से आ गए? ये रहा अपना मेन बस स्टैंड, जो कि बहुत पुराना बस स्टैंड है यहाँ पे। यहाँ से मतलब मैं काफ़ी बार यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से मैं घर जाता था, ठीक है। और ये कुछ इस तरह की शॉपिंग वगैरह पाए। और अभी जो बंदा है वो सामने आपको मस्जिद दिख रही है वहाँ पे। जितने भी सब्सक्राइबर है ना वो बाहर के हैं। हाँ, जे एंड के का कोई मेरा पक्का वाला सब्सक्राइबर है। जे एंड के वाले यार, कम से कम गुजर था पहाड़ी है, इन्हें सब्सक्राइब करो। और Alright, so hey guys, what's up everybody? तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो guys, आप सबको मेरे एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो जैसे आपको पता था मैं कश्मीर गया हुआ था और कश्मीर से मैं वापस आ चुका हूँ यार। मतलब 3 से 4 दिन हो चुके हैं वापस आए हुए और इस टाइम मैं घर पे हूँ। हो सकता है मुझे यार मतलब दिल्ली जाने से पहले ही आखिरी व्लॉग हो मेरा, जो कि घर से स्टार्ट हो रहा हो। लेकिन अभी मैं घर पे ही हूँ फिलहाल। मैं कहीं जाने की तैयारी है मेरी, अभी तैयार हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। और तकरीबन टाइम हो चुका है 8:30। धूप वगैरह बिल्कुल एकदम कड़क लगी है यार, मज़े की, ठीक है। और जाना एक बंदे से मिलना है, अभी नहीं बताऊँगा कहाँ किससे मिलना है, क्या है क्या नहीं। लेकिन कुछ काम भी है वगैरह मार्केट में कुछ, और उसके बाद मैं ना 1 या 2 दिन में दिल्ली के लिए निकल जाऊँगा। और उसके बाद मेरी जो है ना पहली इंटरनेशनल जो है जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। तो गाइस अब यहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आगे। तो गाइस ना अभी मैं आ चुका हूँ यार शिलू भैया की दुकान पे। कुछ काम था मतलब एटीएम वगैरह में, तो जो अपना एटीएम है ना उसको इंटरनेशनल करवाना था और उसके बाद कुछ ना पैसे जमा करवाने थे। और फॉर्म भरने में कुछ इशू आ रहा था कि यहाँ पे क्या भरना, और इसने भर के दिया। ये पहले से सीख के रखा है या मतलब अभी ऐसी? कोई पता नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानी खान। जानते हो मुझे? नहीं बिल्कुल सर, मुझे नहीं लगता। जानते हो? आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम माजर रफीक है। अच्छा, शिलू भैया कहाँ पे? शिलू भैया। अच्छा, आई लव यू। सो फाइनली गाइस यार अभी मैं सोनकोट आ चुका हूँ यार मैन मार्केट में। और सोनकोट आने का रीज़न क्या, वकार सर से मुझे मिलना था। तो उन्होंने अभी मतलब पहले ही कॉल की, उन्होंने बोला कि आप वेट करो मैं यहीं पे आ रहा हूँ। तो अभी जस्ट उन्होंने बोला कि आ जाओ। और ये भैया था, इसको मैंने बाहर लिया। मैंने बोला क्योंकि मैन मार्केट में लोकल एरिया में मैंने व्लॉग नहीं किया, क्योंकि यहाँ की लोगों की थोड़ी सोच जो है ना अलग है। इसलिए मैंने इस भाई को लेके आया, क्योंकि मैं यार यहाँ पे नया हूँ, तो ये ना हो कि कोई लोग उल्टा ही मुझे पेल दे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल। किस चीज़ की शॉप है आपकी? फोन पे। अच्छा, फोन। तो बाकी ये देख सकते हो ये रहा अपना मेन बस स्टैंड, जो कि बहुत पुराना बस स्टैंड है यहाँ पे। यहाँ से मतलब मैं काफ़ी बार यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से मैं घर जाता था, ठीक है। और ये कुछ इस तरह की शॉपिंग वगैरह पाए। और अभी जो बंदा है वो सामने आपको मस्जिद दिख रही है वहीं पे बुला रहा है, और उसी वहीं जा रहे हैं। आप देखते हैं वो कहाँ है कहाँ नहीं, आप ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है जनाब? बशीर। शर्मा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। बाकी मुलाकात हम आगे करेंगे जनाब। असली राज जानना आपका बालों का। बाल हमारी जो है ना जवानी में थोड़ी सी खजल खराबी हो गई थी। ये अचानक कहाँ से आ गए? दिमाग लगवाए ना। देखती आंखों सुनते कानों वकार पोसवाल का सलाम पेश है। ये जनाब हमारे अरबाज भाई हैं। पहले हमने खाना शाना खिलाया है जनाब को, तैयार किया है। और फिर हम इस पार्किंग एरिया में आए हैं क्योंकि सोनकोट में बहुत शोर है भाई, रश बहुत ज़्यादा मार्केट में ना। रश था, मैंने कहा कहीं साइड पे चलते हैं। तो साइड मुझे कुछ खास तो मिली नहीं, बहरहाल मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम वहाँ जाएँ जहाँ मेरी गाड़ी पार्क रहती है, यहाँ पर। ये हमारी पार्किंग का व्यू है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, बाकी अगर आप इनको नहीं जानते, इनके मतलब चैनल का नाम है वकार पोसवाल शो, ठीक है। हाँ। ये अपनी लोकल लैंग्वेज में जो ना
कॉमेडी वगैरह रोस्ट बाकी क्या कुछ करते हो? रोस्ट के बारे में मतलब लड़की वाले करते हैं जनाब, हमने आज तक ना गोजरी को ही दबा के रखा है जी। तो वो जो व्लॉगिंग चैनल है उस पर बहुत कम काम किया गया है, इवन के थंब नेल तक अच्छे नहीं डाले। लेकिन बाकी इनसे मतलब कांटेक्ट मेरा ना नेपाल जाने से पहले हुआ था, बट किस्मत में मुलाकात इतनी जल्दी नहीं थी। हाँ, लेकिन तकरीबन आज 4-5 महीने के बाद जाके फाइनली मैंने अरबाज को बहुत वेट कराया है, इसकी हम जनाब माफ़ी मांगते हैं। नहीं 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 कोई बात नहीं, आप बड़े हो, माजरत ख्वाह है। तो बाकी अभी तो रिश्तेदार भी हैं, अब थोड़ा वाकफी होगी हमारी। हाँ, जान पहचान अच्छे से। लेकिन अब ये जब रमजान से पहले हमारा एक वादा हुआ था कि मैंने कहा मैं आपके घर आऊंगा, इन्होंने बोला था रमजान में। यकीन मानिए कि मैं अपने घर नहीं पहुंच पाता कभी। अच्छा सर, आप इतना मतलब बिजी कहाँ रहते हो, कहाँ मतलब जाते हो? मैं अपने बच्चों के साथ बड़ा बिजी होता हूँ जी। तो बच्चे तो घर ही होते हैं उसके बाद? नहीं नहीं, मैं घर में ही बिजी रहता हूँ। नहीं, आपने बोला कि मैं घर ही नहीं, घर में जब कहीं जम्मू शम्मू चला जाता हूँ तब की, वो तो एक मजाक था जी। बहरहाल मैं ज्यादातर अपने बच्चों के साथ बिजी रहता हूँ, बहुत अच्छा है। टू मच, बच्चे तो हर एक को प्यारे ही होते हैं। अब ये मसला है कि मेरी उम्र कुछ इस तरह की है कि मैं ज्यादा घूम फिर नहीं सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, बुढ़ापे का आलम है जी। वीडियो चल रही है अभी? बिल्कुल चल रही है। अच्छा, तो लीजिए आप। अच्छा, मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे अभी जी। जी जी, पहले मेरे माइंड में ये था कि मैं किसी और ब्लॉगर को जानता नहीं था, कि मैं सोच रहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप जी जी सबसे बड़े यूट्यूबर। नहीं, लेकिन अभी आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ की सबसे बड़ी यूट्यूबर अपर्णा दयाल है। शी इज माय फेवरेट ब्लॉगर। अभी आपने बताया था तभी मैंने जाना उनके बारे में कि हाँ वो बड़े वो हिंदी कंटेंट बनाती है, तो इसलिए शायद बहुत सारे लोग उन्हें नहीं जानते। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट हर जी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जब मेरे लाख सब्सक्राइबर थे उनके 70,000 थे, आज वो मिलियंस क्रॉस कर गई। मुझे ये बताया कि आपके माइंड में ये कैसे आया था यूट्यूब का ख्याल के मुझे मतलब यूट्यूब पे काम करना? यार कोई नया क्वेश्चन पूछ, मैं तंग आया हूं ये सवाल। नहीं, मुझे कुछ ये कुछ जानना नया, कुछ और पूछो, कुछ और पूछें। अच्छा, मतलब और बहुत से कंटेंट वगैरह होते हैं ना यूट्यूब पे, अपनी अपनी लैंग्वेज में ये क्यों चूज किया? क्योंकि ये भी मेरे 1,000 बार जवाब दिए, कुछ और पूछो। नहीं, मैंने तो सुना नहीं। नहीं नहीं, कुछ और पूछो, आज देखते ये मैं पक गया हूँ। मैंने चलो ठीक है, ऐसे रट के रखा हुआ है जैसे मैं क्लास 5th में वंडर ऑफ साइंस रटी हुई थी ना जी, वही जी मैं पॉलीटेक्निक में पढ़ता। अच्छा, वैसे आप बड़े हो। एक क्वेश्चन मेरा जी, के कुछ यूनिक अभी तक जी आपको कितनी लड़कियों ने चाहे मैसेज इंस्टा हो, व्हाट्सअप हो, या डायरेक्टली इस यूट्यूब की वजह से प्रपोज किया? कोई आईडिया? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कभी। मैं नहीं, इतना, सच्चे दिल से इतना मैं कह सकता हूँ कि एक्चुअली मेरी इमेज जो है वो अल्लाह ने बड़ी अच्छी बना रखी है सोशल नेटवर्क पे जी। तो मुझे मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन उसके आगे हमेशा भाई लिखा होता है। बिल्कुल, मतलब वकार भाई, इनको थोड़ा साइड करना है। तो मैं ये चाहता भी नहीं हूँ कि मेरे साथ कम से कम ऐसा हो, क्योंकि ये शादीशुदा हैं, क्योंकि हमने वो दौर देख लिया। तो आप क्या जिस मोहल्ले को छोड़ दिया वहाँ जाना क्यों? लेकिन अब तो हमारी बारी है, हम तो जवान हैं अभी। हाँ, हमारे आप करो जी, आप करो, ऐश करो। अच्छा, आप करें जी। ऐसा होता है कि आपको ये चीज़ें सोशल नेटवर्क पे कोई भी काम कर रहा हो उसके साथ होती रहती है जी, वो तो अक्सर होता है। हमें चाहिए कि हमें उन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है जी। तो अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, जिन्होंने कुछ कहा भी है उन्हें भी सलाम, और जिन्होंने नहीं कहा उनको भी सलाम। अच्छा, फिर मैं इसलिए आया था कि आप बड़े हो, कुछ मतलब बात वगैरह, क्योंकि आपको जैसे पता है कि मेरा इंटरनेशनल टूर जो स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, ये जो है हमारे भाई अफगानिस्तान भी जाने वाले हैं जी, बहुत जल्दी इनके व्लॉग देखे जाएँ। और हमने इन्हें जो जो होते हैं ना यूट्यूब के मंत्र वो भी थोड़े थोड़े बताए हैं। तो जाहिर सी बात पका हुआ थोड़ा, जाहिर सी बात है जो काम मैं खुद नहीं ना करता लोगों को अच्छी अच्छी सजेशन देता हूँ। थंबनेल में खुद अच्छे नहीं बनाता, लोगों को बताता हूँ भाई बनाया करो। अच्छा, कंटेंट को मैं इतना अच्छा, मैं अपनी ब्लॉगिंग को करता ही नहीं हूँ, लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा गाइड करता हूँ। एक्सपीरियंस बहुत है ना, एक्सपीरियंस, क्योंकि जो बड़ा बंदा था 2005 में मैं यूट्यूब को देखने लगा था जब आई थी। अच्छा, 2000 आपने काम 2017 नहीं 17 में किया, लेकिन देख रहे हैं ना लोग क्या क्या कर रहे हैं, कंटेंट को रीड करते हैं तब से। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप जो आपके फेवरेट कुछ डायलॉग वगैरह अपनी लैंग्वेज में 2 या 3 सुना दो हमारी ऑडियंस को। नहीं, मैं व्लॉग में नहीं सुनाता हूँ। चलो व्लॉग दिए तो, लेकिन हमारे में तो शो नहीं होगा फिर। नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसा होता है ना, फिर बहुत सारे लोग पकड़े हैं रोड पे खड़े होकर डायलॉग सुना,
वो बात तो नहीं होगी, बहरहाल इतने बात है। चलो एक आध थोड़ा हम इतना ज़रूर कहेंगे कि मेरे अगर डायलॉग आपको सुनने हैं तो वकार पोसवाल शो पे ज़रूर जाइएगा, जो गुजर और पहाड़ी डोगरा कश्मीरी पंजाबी लोग हैं वो ज़रूर जाइएगा, आपको वहाँ मेरे कॉन्टेंट इंशाल्लाह मिल जाएगा। और रही बात मेरा व्लॉगिंग चैनल, वो है वकार पोसवाल व्लॉग्स करके, वहाँ हम बड़ी डिसेंट सी कुछ कहानियाँ सुनाने लगते हैं, कभी 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 दिमाग घूम जाता है तो बाहर निकल जाते हैं, तो वो वाले व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। अच्छा, वैसे मैंने इतनी बार एक्सपेरिमेंट किया है यूट्यूब को, अब मुझे लगता है कि मैं इसी में डॉक्टरी कर लूँ। जी जी मैंने कॉन्टेंट को 1000 बार चेंज भी किया है चैनल्स भी। अच्छा अच्छा, तो कोई डायलॉग वगैरह नहीं सुनाओगे हमारी ऑडियंस को? फिर ये रिवाज ही नहीं पकड़ना कि हम डायलॉग ऐसे खड़कों पर खड़े होकर सुनाने लगे, तब तो मारेंगे। तो फिर क्या करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई एम सॉरी, उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल देखना पड़ेगा। नहीं, अगर हमारी मतलब हमें सुनना हो ऐसे के एज अ कैमरा के सामने, तो वो फिर आपके कैमरे के सामने? नहीं, आप ये कैमरा ऑफ करें, यूट्यूब खोलें, मेरा एक एक डायलॉग आपके लिए इजी वे है ना। नहीं, एक्चुअली मैं सुना देता, इसमें वो नहीं है कोई एटीट्यूड वाली बात नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है फिर एक रिवाज एक रस्म कायम होती है, फिर जो भी व्लॉगिंग करने आएगा वो कहेगा आप डायलॉग सुने, तो वो मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है। अच्छा अच्छा, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है, इसलिए कहा मैंने, बाकी कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, तो बाकी आपने प्रॉमिस किया था घर आने का, तो अब उसका क्या होगा, क्योंकि अब तो मंडे को अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मंडे से अगर पहले आप फ्री हो तो बस हूँ, जिंदो रहना चाहिए इंशाल्लाह, जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में इंशाल्लाह, हमारी दुआ आपके साथ है। मैं ये इस चीज़ की माफ़ी भी मांगता हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बहुत बार इन्वाइट किया, बहुत सारी जगहों पे मैं नहीं जा सकता जी, उसकी वजह ये रहती है कि रजौरी पुंछ के जो मेरे गुजर और पहाड़ी जितने भी लोग हैं, अच्छा अच्छा, इनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोहब्बत है मुझसे जी, जाहिर सी बात है मैं सबको कवर नहीं कर सकता, वक्तन फक्तन जब भी अल्लाह ने मौका दिया मैं आता भी रहूँगा। अच्छा, मौका मिलता रहेगा, मुलाकातें होती रहेंगी। बिल्कुल, ये मेरा भी ऐसा ही है कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है ना वो बाहर के हैं। हाँ, जे एंड के का को मेरा पक्का वाला सब्सक्राइबर, जे एंड के वाले यार कम से कम गुजर पहाड़ी इन्हें सब्सक्राइब करो, और वक्त नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आप जाएं, क्योंकि दूर भी जाना पड़ेगा, गाड़ी का पता नहीं है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, तो अभी नहीं जाना है घर, चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ठीक है गाइस, हम मतलब आपसे आगे मिलेंगे, अभी ना अभी जाना है वापस और गाड़ी का वेट करना, आप देखते हैं किस टाइम मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा, तो ठीक है बैठते हैं गाड़ी में, आगे कहीं जाके मिलते हैं। तो बाकी अभी चेक मारो यार, कुछ इस तरह की जगह पर हम आ चुके हैं यार, ये देखो यार यहाँ पर व्यू कितना यार ऑसम व्यू है यहाँ का। ठीक है, और जो अभी नेक्स्ट गाड़ी आएगी ना वो इस तरफ से हमें गाड़ी मिलेगी अभी, और जाना है घर के लिए, जो है इस तरफ जाना हमें। ठीक है, और करते हैं वेट, देखते हैं कितने टाइम में आती है गाड़ी, क्या है क्या नहीं। तो फाइनली गाइस यार, अब मैं घर के लिए निकल चुका हूँ यार, एक जो गाड़ी है ना वो आधे रास्ते तक आई, अब दूसरी गाड़ी में बैठना है और घर जाना है, यहाँ से तकरीबन आधा घंटा लगेगा। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और वकार पोसवाल सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और बाकी जितना से जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट कर देना, क्योंकि तगड़ी सीरियस आने वाले, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस।